जय हिंद दोस्तों, जय शिवकाली। आज सुबह मनाली से निकले हैं, सॉरी मनाली नहीं, शिमला से निकले हैं। और अभी थोड़ा टाइम हो गया, मैं वहाँ पे ऊपर एक क्लिप बनाना भूल गया था। तो अभी सुंदरगढ़ के तरफ जा रहे हैं, सुंदरनगर होते हुए मनाली के तरफ जाएंगे और देखते हैं आज कितना चल पाते हैं। दिन भर में छोटा छोटा क्लिप बनाते रहेंगे। ये मेरा साइकिल रेडी है, मैं भी रेडी हूँ और रास्ता भी काफ़ी, इतना खूबसूरत रास्ते से चलने में भी मज़ा आता है ना। वादियाँ खूबसूरत हरे भरे, चलते हैं फिर। आज तो पता नहीं किधर जा रहे हैं, जहाँ तक जाके पॉसिबल होगा रुकना वहीं पर जाके रुक जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आज पता नहीं, बिलासपुर भी दूर है और वो भी दूर है, सुंदरनगर भी दूर है, तो जहाँ तक पहुँचेंगे वहीं पर जाके रुक जाएंगे। यहाँ पे बैठे अंकल जी ने आरो खिलाया, जहाँ तक पहुँच सकेंगे वहीं पर जाके यहाँ पे बैठ के आड़ू खाए अंकल जी, वगैरह सब ने आड़ू खिलाया। इस फ्रूट को आड़ू बोलते हैं। पहाड़ी है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और शायद कश्मीर में भी मिल सकता है, उसके आगे पीछे कहीं नहीं मिलेगा। तो चलेंगे फिर, लगभग 1:30 बजने वाला है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते आज। तो चलते हैं, अभी चलना शुरू करना है। अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं और 3:30 बजे और सुबह से चले हैं मनाली से, शिमला से। आज वैसे तो ज़्यादातर ढलान ही मिला, ज़्यादातर क्या, आज 80% लगभग ढलान मिला और 20% अप होगा अभी तक के हिसाब से। और फिलहाल काफ़ी देर बाद उस ये वाले ढाबे से खाना खाए, खाना खा के ऊपर आने लगे, तो बस इतना अभी चढ़ाई चल रहा है। इस रूट पे ज़्यादा चढ़ाई तो होना नहीं चाहिए, थोड़ा ही होगा शायद इस एक पहाड़ी का बस, क्योंकि ये एक दो पहाड़ी का हो सकता है चढ़ान, क्योंकि ये अभी बस नदी की तरफ जा रहा है रास्ता। और जहाँ नदी की तरफ जाता है रास्ता ना, वहाँ चढ़ाई ज़्यादा नहीं होता है, हल्का फुल्का हो सकता है अप डाउन, बट पूरी खड़ी चढ़ाई कभी नहीं हो सकता, हल्का फुल्का हो सकता है। और चल रहे हैं सुबह से, काफ़ी सारे लोगों से भी मिले आज। अभी लोगों के दिल में कोरोना को लेकर डर थोड़ा कम हो गया है, तो अभी बातचीत हो रहा है हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं हो रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वही बस बात करते हैं, बाकी लोग अभी भी थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक जा सकते हैं। मनाली के रास्ते पकड़े हुए हैं, अब पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे शाम तक। अभी बस 3:30 बज रहा है और 2.5 घंटा तो चल सकते हैं, पर अगर 5 बजे के बाद जहाँ अच्छा खासा डेरा मिलेगा रुकने का वहीं पे रुक लेंगे, भले टाइम बचे और कुछ भी हो। चलते हैं फिलहाल के लिए, फिर मिलेंगे। ये रास्ता अभी यहाँ पे ऐसे जा रहा है चढ़ाई चढ़ाई, तो देखते हैं चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज शिमला से चलना शुरू किए थे, ये ब्रह्म पोखर नाम का जगह है। ब्रह्म पोखर ये मनाली जाते वक्त ही आता है शिमला से, तो ये आज यहीं पे रुकेंगे। वो सामने ये गया से पूछे थे टेंट लगाने की जगह के लिए, तो उन्होंने बताया यहाँ पे लगा सकते हो आराम से। तो आज साइकिल फ़िलहाल यहाँ पे खड़ी है, तो आज यहाँ पे टेंट लगाएंगे। अच्छा जगह, ऊपर शेड है, दिक्कत नहीं है, तो आज यहीं पे टेंट लगेगी। और पास में ही यहाँ पे ढाबा है, तो खाने का जुगाड़ भी हो ही जाएगा। वैसे नीचे ब्रह्म पोखर से थोड़े से जिस रास्ते से मैं जाऊँगा मनाली की तरफ, और उधर काफ़ी सारे मंदिर है, पर अभी मंदिर है तो उधर रुकने का जगह भी होता है,
फिलहाल क्या है ना, अभी अंबुबाची स्टार्ट हो गया है, तो अंबुबाची में शायद मंदिरों में जगह मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, मंदिर बंद होता है नॉर्मली। तो खैर कोई नहीं, अच्छा खासा जगह है मेरा, ये एक साइड में गाड़ी खड़ी है, एक साइड में रेलिंग है, ऊपर छत है, घर ही हो गया और क्या। तो आज यहीं पे टेंट लगाएंगे रात को, और देखते हैं टेंट लगाने के बाद छोटा सा एक क्लिप और ऐड करके फिर वीडियो बना के छोड़ देंगे। ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं। तो सोचे थे आज यहाँ पे टेंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा था लगाने से पहले ना, रुकने से पहले, लगभग 6 बजे तक, मैं 5:30 बजे यहाँ पे पहुँच गया था, पर अभी यहाँ का ओनर मना कर रहे, तो आज यहाँ पे रुकना नहीं होगा। यहाँ का ओनर आके अभी मना कर रहा है कि यहाँ पे मत रुको, आगे चले जाओ, निकलना पड़ेगा। अभी लगभग 7:15 बज चुका है, तो मिल जाएगा आगे जाके कुछ ना कुछ, तो देखते हैं कहाँ जाके मिलता है, होता है बहुत कुछ होता है। आज थोड़ा ऊपर वो पंजाबी ढाबा के सामने टेंट लगाने वाले थे, लेकिन वो बंदा मेरे को टेंट नहीं लगाना यहाँ पे ये बोलने के लिए 1.5 घंटा मेरा टाइम ख़राब किया। फिर अंधेरा होने लगा, थोड़ा नीचे की तरफ आए थे तो ये भैया जी का दुकान मिला, यहाँ पे इनसे पूछे तो बोला हाँ लगा सकते हो। तो यहाँ पे अभी टेंट लगाने का जुगाड़ कर रहे थे, तो भैया जी ने बोला कि चलो आज लंदन में सो जाना ऊपर, मतलब छत पे, तो आज टेंट नहीं लगा रहे, तो उनके छत पे जाके सोएंगे।